वारंट का एग्जीक्यूशन आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कैसे होता है, इस बारे में सेक्शन 78 और 79 में हमको प्रोविजन मिलते हैं। पहला तो मैजिस्ट्रेट को अगर ज्यूरिसडिक्शन के बाहर यानी क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट का एग्जीक्यूशन करवाना है तो वो वहां उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को या पुलिस कमिश्नर को वो वारंट भेज देंगे और आगे उसका एग्जीक्यूशन वो करवाएंगे। लेकिन यदि किसी पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किया गया है कि जाकर किसी को अरेस्ट करना है, ये अरेस्ट का वारंट है और वो वारंट भी आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के बाहर एग्जीक्यूट करना है तो इनको करना ये चाहिए कि वो वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जाकर मिले, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे, उसका एंडोर्समेंट करवाए या फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां का जहां इसका एग्जीक्यूशन होना है, जहां से व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उसके टीआई से निष्पादन कराए। लेकिन सेक्शन 79 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर ऐसा करना जरूरी है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और इंडोर्समेंट में और अधिकारियों से मिलने में समय चला जाएगा तो बिना किसी अधिकारी से मिले क्षेत्राधिकार के बाहर से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, सेक्शन 79 सबसेक्शन 3।